दोस्तों दोनों सांपों का अद्भुत नजारा है यह। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा तालिमपुर एसएक्सएवरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आ गए हैं दो दो सांप को एक बार जंगल में छोड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे दोस्त लोग हैं। तो इनका नाम सूरज जी है, आदित्य कुमार है। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही दो स्नेक है जिसको रेस्क्यू किया गया था। तो दोस्तों ये वाला जो स्नेक है इसको हमने रेस्क्यू किया था दोस्तों, पकड़िया के माधोपुर ग्राम से रेस्क्यू किया गया था इस सांप को। और इस स्नेक को दोस्तों हम लोगों ने तालिमपुर पंचायत से इसको रेस्क्यू किया था। तो चलिए हम एक एक करके दोनों सांप को छोड़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी एक्टिव है यह सांप और काफी खूबसूरत नजारा है इसका। हुंकार को भी आप सुन सकते हैं। इस पर बैक साइड में आप देखिएगा तो चश्मा का आकार बना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ उधर बैक में जाइए। तो दोस्तों इसको स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए कहते हैं कि इसके जो बैक साइड है पीछे साइड में चश्मा का आकार रहता है जिसे कारण इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी एक्टिव है और ये अपना फुंकार से डराना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है जो कि बहुत ही पावरफुल जहर होता है। तो अगर ये किसी को काटता है तो 1 से 2 घंटे का समय मिलता है। अगर उसके अंदर में आप इलाज नहीं कराइएगा तो मारे जाइएगा। तो दोस्तों न्यूरो जो टॉक्सिन जहर होता है वो नस में प्रॉब्लम करता है और दिमाग पर असर करता है। तो आप देख सकते हैं काफी एक्टिव है। तो चलिए दोस्तों ये जो दूसरा वाला सांप है इसको भी हम खोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं तो काफी एक्टिव है दोनों सांप। अब देख सकते हैं दोनों सांप को। दोनों स्नेक जो है काफी एक्टिव हैं और दोस्तों दोनों एक नाग और एक नागिन हैं। तो आप इसके साइज से भी देख सकते हैं पर पहचाने में दिक्कत हो रहा है कौन नाग कौन नागिन है, लेकिन साइज जो है छोटा बड़ा है। तो दोस्तों आप ऐसा करने का प्रयास ना करें। दोस्तों दोनों सांपों का अद्भुत नजारा है यह। तो कभी भी इसके काटने के बाद आप सीधा हॉस्पिटल में जाए झाड़ फूक के चक्कर में अपना पड़े, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसको
इसी में ढूंढा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा है और डेंजर स्थिति भी है। और दोस्तों दोनों का आयु लगभग एक का 5 से 6 साल और दूसरे का 8 से 10 साल का आयु होगा। तो काफी भयानक स्थिति है। तो कभी भी दोस्तों इन बेजुबानों को मारे नहीं। अगर आपको दिखाई देता है तो नियर बाई जो स्नेक सेवर है आप उनको इन्फॉर्मेशन दे करके रेस्क्यू कराए या वन विभाग को खबर करें। तो आप देख सकते हैं तो चलिए रिलीज कर देते हैं। काफी समय हो चुका है। हाँ इसके सामने भी कीजिए ना। तो चलिए दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। आइए सामने आइए। हेलो हाँ जी देखिए बिल में ढूंढ गया का जी। हाँ एक यहाँ है। चलिए चलिए हटिए 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 इधर दिखाइए यहाँ दीजिए। हाँ यहाँ दिखाइए तो कहाँ चला गया। आइए इधर आइए ना आइए आइए ना इधर आइए ना इधर जाना। तो चलिए दोस्तों फाइनली जो दोनों सांप को हम लोगों ने सही सलामत जंगल में रिलीज कर दिए हैं। तो
तो फिर दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है। ओके दोस्तों।